देखिए पूरा देश चाह रहा है इसमें जस्टिस हो, और डॉक्टर्स की इस नॉन पॉलिटिकल कॉल को हमने इसको समर्थन किया, हमने भी इनमें पार्टिसिपेट किया, और अपनी पार्टी की झंडा हटाकर नेशनल फ्लैग को लेकर हमने एक घंटा दीप जलाए, किसी ने कैंडल जलाए, लेकिन इस नॉन पॉलिटिकल कॉल के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि इस आंदोलन कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सोसाइटी का आंदोलन है, सोसाइटी लीड कर रही है, हम पीछे हैं। तो इसी हिसाब से सोसाइटी लीड कर रही है, सोसाइटी ने कॉल दिया था, हम उसके पीछे खड़े रहे। मैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो पहले से ही उनकी माताजी ये चाहती थी। मैं दो बार गया उनके साथ मिलने के लिए, उनके लड़ाई के जज्बा, जिंदगी के सब कुछ खोने के बावजूद जो लड़ाई का जज्बा उनमें अभी भी जीवित है, इसके लिए मैं उनको उन परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी कर मामले का सुनवाई हुआ था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल जो बेंच है देखिए हम इससे थोड़ा आशाहत तो हुए हैं, लेकिन पूरे बंगाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें टिकाई हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आगे आने वाले समय में बहुत कुछ तय करेगा। बंगाल के लोग आशंका में भी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में भारी भरकम लॉयर कपिल सिब्बल जैसे लॉयर, जिनको ममता बनर्जी करोड़ों रुपया देकर अपने पक्ष में खड़े करते हैं, उनके भारीपन के कारण जस्टिस थोड़ा डिले हो जाता है। तो जस्टिस अगर डिले हो जाए या डिनाइड हो जाए, दोनों में ही जनता को दुख मिलेगा। देखिए ममता बनर्जी के प्लानिंग है, ममता बनर्जी हर तरीके की हथकंडे अपना रही है, तो करेगी, क्योंकि उनके घर के बंदे फंसे हैं, उनके बेटे जैसे लोग फंसे हुए हैं। नहीं, ये घटना पुलिस का और उनका परिवार के अंदर का है, और जिनको ऑफर किया गया है उनका माता पिता, उन्होंने बोला है, और ये हम लोग मानते हैं कि सच है, क्योंकि आज बहुत सारा घटना सरकारी स्टेटमेंट, चाहे वहाँ का सुपर का हो, चाहे सीपी का हो, उसका अगेंस्ट में जो उन लोगों ने अपना आंखों देखी हाल बता रहे हैं, उससे पता चल रहा है घटना बहुत गहरा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है पीछे, इसलिए इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। और ममता बनर्जी की पॉलिसी रही है कि कुछ भी क्राइम हो पैसा देके उसका मुंह बंद कर देते सबका, इसलिए क्लब को पैसा देते हैं, दुर्गा पंडाल को पैसा देते हैं कि कोई ना मुंह खोले। इतना क्राइम हो रहा है, लगभग 50,000 इस प्रकार घिनौना क्राइम हुआ है उनके सरकार में रहते समय, किसी का समाधान नहीं होता, ना किसी को सजा होता है, इसलिए बढ़ते जा रहा है। इसलिए सीरियसली लेना चाहिए सीबीआई को, इसको भी जाँच करना चाहिए।